हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और आज है राधा अष्टमी। तो आज ही के दिन मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग डाला है और ये सेकंड ब्लॉग आपको नेक्स्ट कल मिलेगा। तो आप मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक बने रहिए। लास्ट तक आप ब्लॉग देखें, कैसा लगा आपको, आप अपने रिव्यूज़ भी मुझे दें कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। तो ये हमने कर लिया पूजा की तैयारी। ये है फूल और ये है पंचामृत, घी, बूरा, शहद, दही और दूध। इससे युगलकिशोरी जी को मैं स्नान कराऊंगी। आप देखिए हमारी युगलकिशोरी जी को हम स्नान कराएंगे। अक्षत लगाने के लिए प्लेट तैयार और ये मैं सारे भगवान जी को मैंने अक्षत लगाना शुरू करा। और पहले मैंने गणेश जी को अक्षत और रोली और चंदन लगाया, फिर लक्ष्मी जी को, और इतने में पीछे से आ गया इवान। तो इवान मेरे हाथ पे हाथ लगा रखा है उसने और उसने बोला कि मम्मा मैं भी लगाऊंगा। तो वो मेरे साथ साथ सारे भगवान जी को तिलक कर रहा है, मेरे हाथ पे हाथ लगा रखा है उसने। और उसको बहुत ज़्यादा शौक है पूजा करने का। वो हमेशा मेरे साथ जब भी मैं पूजा करती हूँ मेरे पास आ जाता है, मम्मी मैं ये करूँगा या फिर भगवान जी को मैं कपड़े पहना लूँगी तो मैं माला पहनाऊंगा। और इवान फिर भगवान जी की पूजा करता है मेरे साथ में। और मेरा हाथ थोड़ा आगे जा रहा था तो इवान बिल्कुल आगे मेरे ऊपर ही लटक गया था कि बस मम्मा मुझे भी लगाना है। और ये प्रथम डेली मतलब शिव जी पे अक्षत चढ़ाते हैं तो उन्होंने अक्षत चढ़ाए शिव जी के ऊपर, मैंने सारे भगवान जी का तिलक कर दिया था और सारे भगवान जी को तिलक करने के बाद फिर मैंने उस पर फूल चढ़ाना शुरू करा। सारे भगवान जी को मैंने फूल चढ़ाए अच्छे से और विश करी कि हम सब अच्छे से खुश रहें, एक साथ रहें और कभी भी किसी के ऊपर कोई परेशानी ना आए, सब ठीक रहें फैमिली में, सारे लोग अच्छे से, राधा रानी युगलकिशोर जी हमारे तरफ ब्लेसिंग्स बना के रखे हैं। पूजा करने के बाद मैं शुरू करने लग गई भोग की तैयारी, क्योंकि राधा रानी जी के लिए मुझे भोग बनाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी अरबी को छीला, फिर उनको, और छीलने के बाद मैंने अरबी को कट करा क्योंकि मुझे ना दही अरबी बनानी थी, वरना तो बॉईल करके भी अरबी बनाते हैं, पर मुझे बनानी थी दही अरबी और मुझे खीर भी बनानी थी। तो मैंने एक तरफ अरबी की तैयारी करी और दूसरी तरफ दूध गर्म करने रखा खीर बनाने के लिए ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि वो बनाने में फिर बहुत लेट हो जाता है ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया। दूसरी तरफ एक तरफ बन रही थी खीर और दूसरी तरफ मैं अरबी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो पहले मैंने उधर दही अरबी बनाने के लिए अरबी को फ्राई करा, फ्राई करने के बाद मैंने धनिया अदरक वगैरह का पेस्ट वगैरह बना के डाला, फिर उसमें दही डाला। और
खीर भी बन के रेडी हो गई थी, बस अब मुझे आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनानी थी, तो मैंने जल्दी से उसकी भी तैयारी कर ही ली थी ऑलमोस्ट। तो मैंने जल्दी से आलू टमाटर की सब्जी एक तरफ छौंक दी ताकि वो जल्दी से बन जाए, और खीर और दही भी मेरी बन चुकी थी। तो मैंने ये छौंकी सब्जी, उसके बाद मैंने पूड़ी बनाने के लिए आटा वगैरह मला फेंका, और फिर मैंने भोग की पूड़ियाँ तली, पूड़ियाँ बनाई जल्दी जल्दी। वैसे ही मैं इतनी देर से खड़ी हुई थी तो थक चुकी थी ऑलमोस्ट, बस ऐसा लग रहा था जल्दी से बन जाए खाना भगवान जी का और फिर हम भोग लगा दें। फिर मैंने सारे पूड़ी वगैरह बना के फिर हमने अपने ये इवान और इवान के पापा भोग लगाते हुए, इसमें इवान की शक्ति को भोग लगाया जा रहा है।